हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेखा और इस चैनल का नाम है होम मेकर टू ब्लॉगर। इस चैनल पर मैं शेयर करती हूँ ट्रैवल ब्लॉग और फैमिली ब्लॉग। आज है संडे और आज हम सब जा रहे हैं कृष्णा का हेयर कट कराने के लिए। काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि कृष्णा का हेयर कट कराना है, टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि लास्ट टाइम हम चले गए थे मदुरई घूमने के लिए, उसके बाद मेरा बर्थडे आ गया था और अब हमें टाइम मिला है तो अभी हम फाइनली कृष्णा का हेयर कट कराने के लिए आए हैं। कृष्णा को हेयर कट कराना बहुत अच्छा लगता है, वो बिल्कुल शांति से बैठ जाता है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है हेयर कट कराते वक्त, वो इंजॉय करता है और उसको अच्छा लगता है कि उसका कुछ नया हेयर कट होने वाला है। तो यहाँ पे हम कृष्णा का हेयर कट करा रहे हैं। यहाँ पे कृष्णा एकदम गुड बॉय बन गया है क्योंकि उसका हेयर कट हो गया है और साथ में कृष्णा के पापा का भी हेयर कट हो रहा है, जो कि मैं चुपके चुपके से रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे देख रहे हैं कि क्यों रिकॉर्ड कर रही हो मुझे। इसके बाद हम नेक्स्ट डे चले गए थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअली हमें अपने घर के लिए डाइनिंग टेबल लेना था और ड्रेसिंग टेबल लेना था, तो हम थोड़ा रिसर्च करने गए थे, अलग अलग शॉप्स पे देखने गए थे कि किस तरीके का फर्नीचर मिल रहा है, क्या प्राइसिंग है, कैसा हमें लेना चाहिए, क्या क्या कलर्स अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखने के लिए निकले हुए थे तो हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही थी। और जब हम फर्नीचर देख रहे थे तो कृष्णा पूरा टाइम इस झूले पे झूल रहा था, उसको ये झूला बहुत पसंद आया था, वो बोल रहा था कि मम्मा प्लीज़ ये झूला ले लो, हम घर पे ले जाएंगे, हम इस पे झूलेंगे। तो पूरा टाइम इस झूले पर ही झूलता रहा और हम पूरा टाइम यहाँ पे फर्नीचर देखते रहे। हमने काफ़ी सारी शॉप्स देखी जहाँ पर हमें अलग अलग तरीके की चीज़ें पसंद आई, लेकिन हमें डिसाइड करना था कि हमें लेना क्या है, इस वजह से हमें अलग अलग जगह जाके देखना था और प्राइस भी मैटर करता है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, ये चीज़ें हमें कंपेयर करके देखनी थी। मुझे यहाँ पे ये ड्रेसिंग टेबल बहुत पसंद आई, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लग रही है। मैंने अभी सिलेक्ट नहीं की है, अभी मुझे डिसाइड करना है कि मुझे लेना है या नहीं लेना है। और यहाँ पे जो इस तरह का सोफ़ा होता है, कृष्णा इसको बहुत इंजॉय कर रहा था, बार बार इस पर लेट कर देख रहा था और पूरा टाइम वो बस यही चीज़ करता रहा, झूले पर झूलता रहा और यहाँ पर वो सोफ़े को इंजॉय करता रहा। इसके बाद हम गए दूसरी शॉप पर और दूसरी शॉप पर जहाँ पे डेकोरेशन के लिए स्टोन यूज़ होते हैं ना, डाइनिंग टेबल पे रखे होते हैं या सेंटर टेबल पे रखे होते हैं, कृष्णा उससे खेलता रहा। वो हर जगह ऐसी चीज़ें ढूंढ रहा था जिससे वो खेल सकता है। तो यहाँ पे भी हमने काफ़ी सारा फर्नीचर देखा और हमने यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल फाइनल किया। ये देखिए यहाँ पे भी कृष्णा स्टोन लेके घूम रहा है, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था कलरफुल स्टोन देखने में और उनसे खेलने में। इसके बाद ये क्लिप है नेक्स्ट डे की, हम निकले थे कृष्णा के लिए स्कूल सर्च करने के लिए। कृष्णा अभी ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है लेकिन हम लोगों को अब उसे ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी एनरोल कराना है, तो हमें यहाँ पे कुछ स्कूल सर्च करना है। तो हमारे पास अभी टाइम है क्योंकि ये वाला सेशन हम उसको ऑनलाइन ही कराएंगे, नेक्स्ट सेशन में हम उसका एडमिशन कराएंगे। तो हमने सोचा अभी से हम रिसर्च करना स्टार्ट करें और देखना स्टार्ट करें कि कौन कौन से स्कूल हैं जहाँ पर हम कृष्णा को भेज सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ कृष्णा के लिए स्कूल देखने के लिए आए हैं। तो सबसे पहला जो स्कूल हमने देखा वो था ये स्कूल, महर्षि विद्या मंदिर स्कूल। तो ये स्कूल CBSE बोर्ड स्कूल है और हम लोग कोविड के बाद लगभग तीन साल के बाद हम लोग पहली बार कृष्णा को स्कूल में लेकर आए थे। तो कृष्णा बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि संडे है, यहाँ पे बच्चे तो नहीं थे खेलने के लिए, ना ही टीचर्स थे जिनके साथ हम डिस्कशन कर सकें, लेकिन फिर भी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा था और प्लेग्राउंड एकदम खाली था और काफ़ी सारे यहाँ पे झूले थे, तो कृष्णा ने तो आते ही यहाँ पे झूलना स्टार्ट कर दिया था। बाकी मैं यहाँ पे स्कूल टाइमिंग्स वगैरह देख रही थी। अभी हमने स्कूल देखना स्टार्ट किया है, अभी हम और भी बहुत सारे स्कूल्स देखेंगे, ये तो हमारा पहला स्कूल है। होपफुली हमें कोई स्कूल अच्छा लगेगा तो हम फिर कृष्णा का एडमिशन नेक्स्ट ईयर तक करा देंगे।
यहाँ पर स्कूल के प्लेग्राउंड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं खेलने के लिए, तो बच्चों के लिए काफ़ी सारे झूले भी थे। कृष्णा ये सब देख के काफ़ी खुश हो गया था और आते ही यहाँ पे उसने झूलना स्टार्ट कर दिया था। तो उसको पहली बार स्कूल में आके बहुत अच्छा लगा और उसने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। मजा आया तुमको स्कूल में? और इसके बाद हम सब निकल गए घर, और नेक्स्ट डे जो हमने डाइनिंग टेबल ऑर्डर किया था वो घर पर आ चुका है। तो ये लोग यहाँ पे डाइनिंग टेबल को अनपैक कर रहे हैं और उसके बाद इसको असेंबल करके लगा देंगे। यहाँ पर हमारा डाइनिंग टेबल लग चुका है, और जैसे कि सभी के घर में जब नई चीज़ आती है तो उसकी पूजा की जाती है, वैसे ही मैंने भी यहाँ पर स्वास्तिक बनाकर मिश्री का भोग लगाकर पूजा की है। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन दे रखा है उसे भी प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप मेरे सारे वीडियो देख सके। Thank you for watching. Please like, share, subscribe and comment.